स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केमे। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बोला था, अब हमारी नेक्स्ट डेरिवेशन है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। एग्जाम के अंदर ये डेरिवेशंस डायरेक्ट आती हैं, आइदर इट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और इट इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट? लेट्स फाइंड आउट। कंसिडर a journal equation. This is A2 product. तो as usual, जैसे हमने पहले किया था, rate it is decrease in concentration of A, d by dt of concentration of A. Also, rate k into concentration of A. तो ये दोनों ही rate हैं. From 1 and 2. What we will get, dA upon dt equal to k. But हमें किस चीज का ध्यान रखना है यहां पे कि उसने हमें दिया है रिएक्शन है जीरो ऑर्डर, ठीक है? इफ इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर जो रेट है इट विल बी k इंटू ए नॉट, राइट? तो यहां पे हम लिखेंगे डी ए बाई डी टी इक्वल टू के इंटू ए नॉट। आपको पता है इसमें हम ए नॉट नहीं लिखते हैं, दिस इज डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए। लेकिन जब वो जीरो ऑर्डर की बात करता है तो वो डिपेंड कैसे करता है, लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से इट विल बी ए जीरो। रीअरेंज करें, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू वन। क्यों? क्योंकि कंसेंट्रेशन ऑफ ए इट विल बी इक्वल टू वन, रेज टू पावर जीरो इट विल बी इक्वल टू वन। तो अब ये इक्वेशन आगे ले आते हैं, इट विल बी माइनस डी ए कंसेंट्रेशन ऑफ डी ए, और इधर आ गया के डी टी। डी टी को हम उधर ले गए क्योंकि के इंटू वन क्या आएगा, के। चलो मैं एक स्टेप और इसमें ऐड कर देती हूं, इट विल बी माइनस डी बाय डी टी ऑफ ए इक्वल टू के क्योंकि के इंटू वन। अब इसको उधर ले जाते हैं, माइनस डी ए के डी टी, ओके। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन थर्ड, तो वी विल गेट इंटीग्रेशन डी ए इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी टी। आपको पता है इंटीग्रेशन और डी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है? तो ये आ गया कंसेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू के टी। तो हमारे पास साथ में क्या आएगा, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। तो इट इज माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू के टी प्लस सी। ओके, नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, तो कंसेंट्रेशन कितना था, ए नॉट। पुट करें, इट विल बी ए नॉट इक्वल्स के इंटू जीरो प्लस सी। तो सी किसके बराबर आया, माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ ए। तो इक्वेशन थर्ड, और ये रही इक्वेशन फोर। इक्वेशन फोर becomes concentration of A equals kT minus concentration of A naught. अब हमने C की value यहां पे minus A naught put कर दी, ठीक है? ये इधर minus है, इसको plus की तरफ ले आते हैं, ये आ गया A naught minus A equals kT, राइट? तो के टी इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, ओके। अब देखिए, तो के किसके बराबर आया, टी किसके बराबर आया, ए नॉट माइनस ए अपॉन के। एक हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला, और
के किसके बराबर होगा? ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, वेयर के टी कंसेंट्रेशन ऑफ ए नॉट एंड ए। के क्या है? रेट कांस्टेंट। टी क्या है? टाइम। ए नॉट क्या है? इनिशियल कंसेंट्रेशन। एंड ए क्या है? फाइनल कंसेंट्रेशन। सो इट इज टू सिंपल, कहीं पे लॉग नहीं लेना है, नथिंग यू हैव टू कैलकुलेट। जरा देख लीजिए डेरिवेशन हमने किस तरीके से की है। रेट इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑल्सो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए। ठीक है, तो ये दोनों हो गए बराबर। फॉर जीरो ऑर्डर रेट किसके बराबर होगा? के इंटू ए नॉट, राइट। तो हमने इसकी जगह पे क्या कर दिया? ए नॉट। अब यहां पे के ए रेज टू पावर ए नॉट किसके बराबर होगा? एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इक्वल टू वन, तो यहां वन पुट किया। फिर आपने इसको इंटीग्रेशन करी, इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास ये पहुंचा d बाई डी टी ए, इंटीग्रेट किया d के साथ, इंटीग्रेशन कैंसिल, अकेला a, इधर d के साथ d कैंसिल, के टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एज यूजुअल फाइंड द वैल्यू ऑफ c, c की वैल्यू निकाली, जब t जीरो तो a कितना होगा? a नॉट। c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू पुट की, इक्वेशन को आपने रीअरेंज किया, तो दिस इज नथिंग बट, मैं यहां पे बॉक्स में लिख देती हूं, t विल बी इक्वल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन माइनस फाइनल कंसेंट्रेशन अपॉन के, और के विल बी इनिशियल कंसेंट्रेशन माइनस फाइनल कंसेंट्रेशन अपॉन टी। अब वही बात आ जाती है, फॉर एग्जांपल 20% कंप्लीशन, फॉर 20% कंप्लीशन के किसके बराबर होगा? इनिशियल 100, फाइनल 20% कंप्लीट हो गया, बाकी कितना बचा? 80 डिवाइडेड बाय टी। ये मैं जस्ट एग्जांपल दिया आपको, इसके न्यूमेरिकल इस तरह से, कोई लॉग नहीं लेना है। और ये था हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। अब आप इसी तरीके से जीरो ऑर्डर से भी टी हाफ निकाल सकते हैं। तो टी हाफ निकालने के लिए दिखती सी बात है, जो इक्वेशन आपके पास ऊपर आ चुकी है आप उसी को सॉल्व कीजिए। लेट फाइंड आउट हाफ लाइफ पीरियड, ये डेरिवेशन भी आप लेक्चर देखते देखते, वीडियो देखते देखते करेंगे तो ज्यादा बेटर है, राइट। अब देखें टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ओके, वी नो दैट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस टी किसके बराबर है? देखें जरा, ए नॉट फाइनल माइनस इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन के, ओके। एट टी हाफ, एट टी इज इक्वल टू टी हाफ, कंसेंट्रेशन फाइनल किसके बराबर होगी? इनिशियल का हाफ। पुट करें टी हाफ, इट विल बी इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाय टू अपॉन के। इसको सॉल्व करें, ऊपर टू आ गया एलसीएम, ठीक है, कॉमन टू ए नॉट माइनस ए नॉट, टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाय टू, और नीचे क्या है? के। टू ए नॉट में से एक ए नॉट माइनस हो गया, तो हमारे पास क्या बचा ऊपर? सिर्फ ए नॉट, ए नॉट बाय टू डिवाइडेड बाय के, और किसके बराबर आएगा ये? टी हाफ, इट विल बी इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू के। देख लीजिए आप, इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ इसको, ठीक है। ये वाली लाइन ये रही, ऊपर है a
माइनस ए नॉट माइनस ए नॉट बाय टू, टू आ गया एलसीएम, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस ए नॉट, ठीक है। तो टू में से वन चला गया तो ए नॉट बाय टू तो एज इट इज ही रहा, फिर ये टू कहाँ आ जाएगा नीचे, तो टी हाफ इट विल बी इक्वल टू ए नॉट बाय टू के। तो इसका मतलब ये जो टी हाफ है, टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए बिल्कुल डायरेक्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इट इज क्वाइट क्लियर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, शो दैट टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टू इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है पेपर में, दोनों का कंपैरिजन भी आ सकता है, शो दैट, या आप ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कैन यू से दैट टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन एंड टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, दोनों का कंपैरिजन भी आ सकता है। तो डायरेक्ट रिलेशन को हम यूज कर लेते हैं, अगर आपको जीरो ऑर्डर की इनिशियल कंसेंट्रेशन पता है, टी हाफ पता है, तो आप रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे, रेट कांस्टेंट पता है, इनिशियल कंसेंट्रेशन पता है, तो टी हाफ निकाल लेंगे, दोनों ही पता है तो हो सकता है इनिशियल कंसेंट्रेशन पूछी गई हो। तो आपके पास जो एंटिटी अननोन होगी आप उसको बहुत ही आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर, एंड अगेन इसका भी हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड तो दोनों के लिए है, जीरो के लिए भी और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी, ठीक है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आते हैं। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड। आपको निकालना है हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर एंड वेयर स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट इज 200 2 मिनट्स एंड 4 ईयर्स इनवर्स। ओके, तो मैं फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करूंगी, नेक्स्ट दो आप लोग करके मुझे नोट्स में वापस भेजेंगे। ओके, तो K आपको गिवन है 200 सेकंड इनवर्स। ओके, वी नो T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K, पुट द वैल्यू 0.693 अपॉन 200। अब सबका सॉल्व करने का तरीका अलग हो सकता है, मैंने ये डेसिमल हटाया और यहां पे 3 जीरोस लग गई, 1 2 3। ओके, ये आया 693 अपॉन 200 इंटू 1000। ओके, ये 2 से कट जाएगा, 100 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 6 जा 12 डेसिमल 2 5 जा 10। ओके, 2 ये आ गया 346.5 अपॉन 3 और 2 10 रेज टू पावर 5। ओके, आप इसको लिख सकते हो टी हाफ इक्वल टू 346.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5। अब देखो डेसिमल है यहां, यहां से शिफ्ट करके एक डिजिट के बाद लेके आना है, तो ये क्या बन जाएगा 3.465 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 इंटू, अब ये एरो गया लेफ्ट को, लेफ्ट को जाता है तो रेज टू पावर क्या होती है पॉजिटिव, जितने डिजिट ये शिफ्ट करेगा, तो इसने दो डिजिट शिफ्ट किए तो 10 रेज टू पावर 2, तो ये आ गया 3.465 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 सेकेंड्स। जिसको ये वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, वॉच आउट माई वीडियो फॉर द क्लास 11th मोल कंसेप्ट, उसमें मोल कंसेप्ट भी आएगा और बिल्कुल बिगनिंग में जहां पे इसकी प्रिसीजन और एक्यूरेसी की हम बात करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसमें साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक है, आप जरूर देखें, इसको अच्छे से समझ पाएंगे।
तो इसी तरीके से अब आप इसको 2 मिनट्स के लिए निकालेंगे एंड 4 ईयर्स के लिए निकालेंगे और सॉल्व करके मुझे वापिस भेजेंगे. ओके, तो साथ साथ में नोट कर लेना सबने. ए पार्ट कर दिया, बी और सी आपने करके भेजना मुझे. सेकंड क्वेश्चन देखिए, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट रेशियो बिटवीन टाइम टेकन टू कंप्लीट 3/4 एंड 1/2 ऑफ द रिएक्शन. डन. आपको निकालना है T3/4, T1/2 और फिर इन दोनों की रेशियो निकालेंगे. ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेस कम यूज करती हूं. ओके, पहले हम बात करते हैं 3/4 की. 3/4 मींस हमारे पास इनिशियल कंसेंट्रेशन, है ए नॉट, राइट, और फाइनल कंसेंट्रेशन है ए. ठीक है, लेकिन 3/4 कंप्लीट, 3/4 कंप्लीट हो चुका है. 3/4 मींस 3/4 ऑफ ए नॉट, राइट, 3/4 ऑफ ए नॉट. ओके, तो फिर बाकी कितनी बची? देयरफॉर फाइनल कंसेंट्रेशन हमारे पास कितनी बची? इनिशियल कंसेंट्रेशन माइनस 3/4 ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन जितनी थी उसका 3/4, इसमें से माइनस कर दो क्योंकि इतना कंप्लीट हुआ है. तो हमारे पास कितना है? ये एलसीएम आ गया 4, ये आ गया 4 ए नॉट माइनस 3 ए नॉट अपॉन 4. तो कितना आ गया? 4 में से 3 गए 1, ए नॉट अपॉन 4. तो हम ए की जगह पे क्या लिखेंगे? ए नॉट बाय 4. क्लियर? तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या है? मैं इसी की बात कर रही हूं अभी, T3/4 की. इट विल बी (2.303) अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट बाय 4. ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, 4 ऊपर चला जाएगा. तो T3/4 किसके बराबर आया? 2.303 के लॉग 4. और आपको पता है लॉग 4, इट इज 0.60, आई थिंक 60 एंड 20, 6020, क्योंकि log 2 किसके बराबर होता है? मैं इसको और सिंपल करूं, log 4 को मैं लिख सकती हूं 2.303 अपॉन के log 2^2. ये आ गया 2.303 के 2 इंटू log 2. ऐसे लिखते हैं ना इसको आगे करके, 2 इंटू log 2. तो ये आ गया 2.303 के 2 इंटू 0.3010, log 2 आपको पता है. तो ये इसको मल्टीप्लाई किया 2.303 अपॉन के इंटू 0.6020. दिस इज T3/4 इक्वेशन 1. ओके, अब देखें T half इट विल बी इक्वल टू, पहले इसका हेडिंग दे देती हूं मैं, आपको निकालना है अब T half. ठीक है, तो T half इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log ए नॉट अपॉन ए नॉट बाय 2. ये हम पहले कर चुके हैं, ये थोड़ा टिपिकल था इसलिए मैंने पूरा सॉल्व किया. ए से ए कैंसिल, log 2. T half इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 2. log 2 की वैल्यू आपको पता है
इंटू 0.3010 अपॉन के, दिस इज टी हाफ। ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई हुई, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। अगला स्टेप क्या था, दोनों की रेशियो निकालनी है। तो टी थ्री बाय फोर, अब देखें रेशियो ऑफ टी थ्री बाय फोर एंड टी हाफ। टी थ्री बाय फोर अपॉन टी वन बाय टू किसके बराबर आया, 2.303 अपॉन के इंटू 0.6020 डिवाइडेड बाय 2.303 अपॉन के इंटू 0.3010 कैंसिल, और कितना आया 2। तो टी थ्री बाय फोर और टी हाफ क्या रेशो आई गई, 2:1, ठीक है। तो 2:1, तो इट इज टी थ्री बाय फोर इट विल बी इक्वल टू डबल ऑफ टी हाफ। टी हाफ को डबल करो तो वो किसके बराबर आ जाएगा, टी थ्री बाय फोर के। तो रेशो क्या आई, 2:1, टी थ्री बाय फोर रेशो टी हाफ। आई थिंक अगर आप साथ साथ समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने इसको किस तरीके से किया। सबसे पहले टी थ्री बाय फोर, टी थ्री बाय फोर का मतलब है कि इनिशियल कंसेंट्रेशन है ए नॉट, फाइनल होती है ए। तो थ्री बाय फोर मीन्स थ्री बाय फोर कंप्लीट, ये है थ्री बाय फोर कंप्लीट मीन्स थ्री बाय फोर ऑफ ए नॉट। तो ये कंप्लीट हो गया, बाकी कितना बचेगा, ए नॉट में से इसको माइनस कर दीजिए, फिर उस वैल्यू को पुट करेंगे, लॉग निकाल लेंगे, ठीक है। और लॉग कैसे देखते हैं, प्लस वन के अंदर हमने बहुत डिटेल में इसको किया है, फिर भी अगर समझ में नहीं आएगा तो आई एम प्लानिंग कि आपको एक छोटा सा वीडियो बना के मैं अलग से भेज दूं कि लॉग कैसे देखना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स जो है दे आर प्योरली बेस्ड अपॉन लॉग, लॉग आएगा ही आएगा। और एग्जाम्स के अंदर आपको लॉग टेबल प्रोवाइड किया जाता है, कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड। ओके, लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस। ओके, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 15% कंप्लीट, 15% कंप्लीट इन 20 मिनट्स, हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर 60% कंप्लीशन। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी पेपर में आते हैं। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे 15% कंप्लीशन, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां आपको टाइम गिवन है 15% कंप्लीशन, और टाइम कितना दिया है 20 मिनट्स। तो यहां से k निकालिए और 60% कंप्लीशन का टाइम निकाल लीजिए, टू सिंपल। तो आपको पता है k इज इक्वल टू, वी नो दैट k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसेंट्रेशन, ठीक है। अब देखो इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी है, 100% है ना। तो फाइनल कंसेंट्रेशन 15% कंप्लीट, मतलब 100 में से 15% कंप्लीट हो चुकी है, तो बाकी कितनी बची, इट विल बी 85। डन, वैल्यू पुट कीजिए, के विल बी 2.303 अपॉन 20 मिनट्स लॉग ऑफ 100 अपॉन 85। आप इसको सॉल्व करेंगे 2.303 अपॉन 20, और इधर आपके पास आ गया लॉग 100 माइनस लॉग 85, ठीक है। लॉग 100 दिस इज 2.303 अपॉन 20, यहां तीन डिजिट है ना, तो तीन का एक माइनस किया तो आ गया 2, और लॉग 10 का जीरो में देखते हैं तो आता है 1, ठीक है। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो 10^2, तो 2 log 10, एक ही बात है। आप चलो ऐसा कर लेते हैं, इसको आप लिख सकते हो log 10^2 माइनस log 85। तो ये आ गया हमारे पास k, इट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 20, ये आ गया
2 log 10 माइनस log 85, तो अगेन k विल बी 2.303/20, 2 × 1 माइनस। अब देखिए ये हैं दो डिजिट, 85, टू डिजिट्स, एक माइनस कीजिए कितना आया 1। अब मैं आपको यहाँ पे लॉग दिखा ही देती हूँ, लेट मी ट्राई, अगर आप इसको देख पाए तो लॉग हमने देखना है 85 का, ठीक है, मुझे यहाँ आना पड़ेगा। तो ओके, ये देखिए, कैमरा थोड़ा टाइम लेता फोकस होने के लिए, ये रहा 85, ठीक है, लेट मी, या ये रहा 85, और ये देखिए लॉग के ऊपर कॉलम 0, 1, 2, 3, ठीक है, तो 85 है ना अकेला, तो हम 85 का जीरो में देखेंगे, तो इट इज 9294, दिख गया सबको, तो 85 का 9294, ओके, तो 85 का जब आपने वैल्यू देखी, इट वाज 9294, तो 1.9294, तो ये आया 2.303/20, 2 − 1.9294, 2 में से इसको माइनस करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 0.0706/20, अब आया 2.303 × 0.0706/20, ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 3 × 5 = 3, ये आया 2.303 × 0.0353/10, और एक इनको मल्टीप्लाई करके एक 10 के साथ इसको और डेसिमल को आगे कर दीजिए, यू विल गेट, या तो आप इनको हटाओ, 3 0 नीचे, 4 0 नीचे, मल्टीप्लाई करो आपस में, ऐसा ही कर लीजिए, ये हटाओ, नीचे आ गया आपके पास 3 0, इसको हटाओ, नीचे आपके पास आ गए 4 0, यू विल गेट 2303 × 353/3, 4 और 4, 10^8। अब 2303 और 353 को जब आप सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट आफ्टर सॉल्यूशन, यू विल गेट 8.13 × 10^-3 मिनट इनवर्स, ठीक है, क्योंकि इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, लेट मी ट्राई टू फाइंड, इसको मल्टीप्लाई करके, मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूं बट आप लोगों ने नहीं करना है, दिस इज 2303 × 353, तो ये आएगा 8129, ये आ जाएगा 8129/59, 8129/59, तो नीचे क्या है 10^8, तो आप इसको लिखोगे 8129/59 × 10^-8, ठीक है, अब डेसिमल है यहां पे, कहां लेके आना है, इधर 8.12, कितने डिजिट शिफ्ट किए, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आया 10^8 × 10^5, ठीक है, तो ये 1 to 9 है ना, तो इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे, 8.13, 10^ इसमें से चला गया -3, ठीक है, मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, आप लोग इसको पूरी तरह से कैलकुलेट करके आंसर लिख सकते हैं, ओके, तो मैं यहां लिख ही देती हूं, इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास आया 8, 1, 2, 9, 5, 9, तो ये हो गया 8^-8, तो k विल बी 8.13, राउंड ऑफ कर दिया, 10^-3, सॉल्व मैंने इधर कर दिया कि किस तरीके से आएगा, ठीक है, और ये आपको टाइम दिया था मिनट्स में, तो दिस इज मिनट इनवर्स, देखो ये सारा काम हमने सिर्फ के लिए किया, आप लोग मुझे पता है इतने सारे स्टेप्स नहीं करते हैं, लेकिन मेरी सजेशन बेटा यही रहती है,
स्टेप बेशक बढ़ा दीजिए, स्किप मत कीजिए, सिंपल करके, जितना आप इनको सिंपल करके चलेंगे उतना ही आपके लिए इजी रहेगा। अब ये के आ गया, अब आपको क्या निकालना है, आपका नेक्स्ट पार्ट 60% कंप्लीशन, 60% कंप्लीशन। ओके, नाउ के आपके पास आ गया 8.13 × 10⁻³ मिनट इनवर्स। टी निकालिए, 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए। अब यहां पे ए नॉट कितना है 100 और ए कितना है 60% कंप्लीट, तो इट विल बी 100 - 60, इट विल बी 40। वैल्यू पुट करें, टी विल बी 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 100/40, डन। तो इट विल बी 2.303 अपॉन 8.13 × 10⁻³ और इधर आ गया लॉग 100 - लॉग 40। और आपको पता है लॉग 100 की वैल्यू 8.13 × 10⁻³, लॉग 100 मींस 2 माइनस लॉग 40, अब दो डिजिट है, इट विल बी 1 point। और अब मैं आपको खुद बुक में देखना बच्चे, मैं आप बार बार इसके कैमरा के आगे बुक नहीं करूंगी, तो लॉग 40 की वैल्यू आएगी 3010। ठीक है, लॉग 40 मतलब 40 का जीरो में लॉग 4, लॉग 40 इज 6020, सॉरी लॉग 40 विल बी 6020। ठीक है, 40 का जीरो में, मैं चेक भी कर लेती हूं इसको, 40 का जीरो में 6020। तो इसको सॉल्व करें, 2.303 8.13 × 10⁻³ 2 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3010। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, अब आप खुद इसको सॉल्व करना, देन यू विल बी एबल, अच्छा इसको माइनस करके है 3980, सॉरी इट इज 3980। इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 112.7, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा ना, 2.303 × 10⁻³ इंटू 0.3980 डिवाइडेड बाय 8.3, और इसको सॉल्व करके आएगा 112.7 मिनट्स। देखिए न्यूमेरिकल निकालने का प्रोसीजर लंबा आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे पहले एक को सॉल्व किया, फिर हमने दूसरे की वैल्यू निकाली, और देखो ये कैलकुलेशन इतना इतना पोर्शन तो कैलकुलेशन ही शो की जा रही है। तो मेथड आपको समझ में आ गया, फर्स्ट पोर्शन से आपने के निकाला, सेकंड पोर्शन में के पुट किया और टाइम निकाल लिया। बस आपको ध्यान किस चीज का रखना है, लॉग, लॉग किस तरीके से देखना है, इसके ऊपर फोकस करना है। तो जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप अपने तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आई मे बी रॉन्ग, आप अपने तरीके लगा के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना होता है कि जब वो कितनी कंप्लीट हो गई है, जितनी कंप्लीट हो गई उसको 100 में से माइनस करेंगे तभी आपके पास फाइनल कंसेंट्रेशन आएगी। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 23.1 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन। ओके, 50% कंप्लीशन मतलब हाफ लाइफ पीरियड आ गया। तो आपको टी हाफ कितना गिवन है, 23.1 मिनट। ठीक है, तो आपको पता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, के निकालना है ना, तो के किसके बराबर होगा, 0.693 अपॉन टी हाफ। पुट कर दीजिए, 0.693 डिवाइडेड बाय 23.1,
जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0.030 मिनट इनवर्स, क्योंकि टाइम नीचे आ गया, मिनट इनवर्स। अब आगे क्या पूछा उसने, 75% कंप्लीशन के लिए टाइम कितना लगेगा। ठीक है, ये आपके पास के आ गया, टाइम फॉर 75% कंप्लीशन। ठीक है, 75% कंप्लीशन का मतलब क्या है, मींस ए नॉट 100 और ए कितना होगा 100 - 75 25, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका, बाकी कितना बचा 25। ओके, अब टाइम 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए, 2.303 अपॉन 0.030 लॉग 100 अपॉन 25। अब देखिए यही पे कैंसिल हो गया, लॉग 4 आ गया, तो टी विल बी 2.303 अपॉन 0.030 लॉग 4। अच्छा एक चीज देखो, इधर भी डेसिमल के बाद 3, इधर भी डेसिमल के बाद 3, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दो, 2303 अपॉन ओनली 30। लॉग 4 को आप लिख सकते हो 2 raised to power 2। फिर टाइम किसके बराबर आया, 2303 अपॉन 30, 2 log 2, log 2 की वैल्यू आपको पता है, 2303 अपॉन 30, 2 into 0.3010। ठीक है, अब 2303 अपॉन 30 ये आ गया 0.6020। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आया 2303 अपॉन 30 इंटू 0.6020। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यूज को, यू विल गेट 40.060। टाइम विल बी 46.06 मिनट्स। तो इस तरीके से फर्स्ट वाले पोर्शन में वो क्लियरली बता रहा है दैट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 23.1 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन, मींस टी हाफ उसका गिवन है, यहां से के निकाला और 75% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लगेगा, के आपके पास है, टाइम निकाल लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी न्यूमेरिकल आपको दिया गया हो दैट 20% कंप्लीशन होती है इतने टाइम में, तो बताइए 80% कितने में होगी। तो कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस के लिए भेजूंगी और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक और मेथड टू फाइंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड दैट इज इनिशियल रेट मेथड। तो जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए तब तक स्टे होम स्टे सेफ।